हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रही हर्षिंग शर्मा एनसीईआरटी पटन की अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको। 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली है 9.8 जो आज आपको समाप्त कर दिया गया। कल मैंने क्वेश्चन आपको 17 नंबर तक बताए थे, आज 18 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग देख लीजिए 18 नंबर से क्वेश्चन आप लोगों को 18, 19, 20, 21 आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं 18 नंबर। जी देखिए आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। बुक को मैं इधर कर देता हूँ, जी देखिए बुक को इधर कर दिया। देखते शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लिखा हुआ है क्या, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पेडेस्टल की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, आपको मैं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आपको एक क्या पेडिस्टल बनाना है, हमने बना देंगे आप लोग को। देखिए हमको क्या एक पेडिस्टल, यहाँ से हमने क्या बना लिया, पेडिस्टल की ऊंचाई, हमको क्या पेडिस्टल की ऊंचाई बनाना था। यही हमारी ऊंचाई हमने मान लिया, एच ऊंचाई का पेडिस्टल हमारे पास, एच ऊंचाई मीटर का है। अब यहाँ से एंगल दिए हुए है, हमको एक एंगल दे दिया यहाँ से यहाँ तक का, उसने कितना दिया है, और इसी के ऊपर एक ऊंची पेडिस्टल के ऊपर एक ऊंची मूर्ति लगी है 1.6 मीटर की, 6 मीटर की लगी है, तो ये कितना आ जाएगा। अब यहां से उसने पहले उन्नयन कोण दिया कितना 60 डिग्री, ये मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी पे बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री। आपको 45 डिग्री मान लिया। अब हमको पॉइंट लिख लेंगे ए बी सी और डी, बन गए। अब यहाँ पे हमें ये वाली नहीं पता, इसको मान लिया हमने यक्स, तो लिख लेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है, एच मीटर है, एच मीटर है, तो लिख लेंगे सम कोण त्रिभुज, क्या मान लेंगे हम पहले ए बी सी, ए बी सी में ए बी सी के लिए एंगल कितना 45 टेन आ जाएगा, 45 डिग्री बराबर लंब एच अपान कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स, टेन 45 के मान होता है एक, ये बैठेंगे एच अपान एक्स, हमें एच निकालना है, एच बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स, इसको मान लिया क्वेश्चन फर्स्ट। आप ले लेंगे क्या उनका पूरा एंगल ले लेंगे, संपूर्ण एंगल लेने के लिए हमारे पास टोटल जो हाइट आ जाएगी एच प्लस का 1.6 आ जाएगी। जी हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी मान ली, ये हमारा लंब बनेगा के बाद में, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, अब समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके लिए एंगल कितना दिया 60 डिग्री, टू टेन 60 बराबर लंब एच प्लस का 1.6 बटे आधार कितना आ जाएगा एक्स, हमको एच चाहिए तो एक्स की जगह क्या लिख लेंगे, टेन 60 का मान होता है हमारे पास √3, आ जाएंगे एच प्लस का 1.6 बटे एक्स बराबर है हमारे पास एच, लिख लेंगे समीकरण एक से एच बराबर क्या एक्स, अब ज्यादा है हमारे पास √3h बराबर आ जाएंगे हमारे पास h प्लस का 1.6, तो यहां से हमें h बराबर आ जाएगा, सॉरी √3h माइनस h बराबर आ जाएगा 1.6, h हमें कॉमन मिल जाएगा तो h कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। हमको पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है बहुत आसान तरीके से, तो निकाल लेंगे बहुत ही सिंपल वे में, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, तो ज्यादा जाएगा हमारे पास h बराबर आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस का 1 हो गया, √3 माइनस का 1 आ गया। अब इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे और इसका आंसर यहाँ पे हमें क्या परिमेयकरण कर लेंगे √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से, तो ज्यादा आएगा हमारे पास h बराबर आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे आ जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 1, तो ज्यादा आएंगे 1.6 बटे 2 इंटू में 1.732, √3 का मान रख देंगे प्लस का 1। अब इसके आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको इसके पीछे ही बता देते हैं, तो ज्यादा आएगा हमारे पास, इसको भाग दे देंगे तो ज्यादा आएगा हमारे पास 0.8 और जो जाएंगे हमारे पास 2.732, तो इसको गुणा कर देंगे जो 8 × 16 की 6, 8 × 3 = 24, 25, 8 × 7 = 56, 56 और 2 हो जाएंगे 58 की 8, 8 × 2 = 16, 16 × 5 हो जाएंगे हमारे पास 21.3 अंक, 21.85 हमारे पास आ जाएगी इसकी दूरी, तो लिख लेंगे अतः
पेडेस्टल की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास 21.856 मीटर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर 19। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्ध पोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमको दूरी ज्ञात करना है, फिर लिख लेंगे हवाई जहाज की जो ऊंचाई है वो हमारी कितनी दे रहा है, हवाई जहाज की जो ऊंचाई है कितनी है 1000 मीटर है, हमने माना हमें पता है। अब उसने क्या उत्तर की ओर, हमारे क्या है उत्तर की ओर जो कोण दिया है यहाँ पे कितना दे रहा है 30 डिग्री दे रहा है, उत्तर की ओर डिग्री दे रहा है 30 डिग्री। फिर अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर युद्ध पोत को कितना दे रहा है 45 डिग्री दे रहा है, दक्षिण की ओर 45 डिग्री दे रहा है। अब उसने कहा है तो पनडुब्बी और युद्ध पोत के बीच की दूरी ज्ञात करना है, दोनों हमें कुछ दूरियां हमने मान ली J1 है यहां से यहां तक, J2 है यहां से यहां तक, ABCD हमने ये मान लिया। फिर लिखेंगे माना पनडुब्बी व युद्ध पोत की दूरी x1 व x2 है जी आपको बताना है। तो x1 व x2 है तो आपको बताना है, तो ये हमारा हजार दिया, ये दिया x1 ये x2 दिया, हम एंगल पता है, हम एंगल निकाल लेंगे। तब समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो आ जाएगा हमारे पास 10, 45 डिग्री बराबर आ जाएगा। लंब हमारे पास दिया 1000 बटे आधार दिया x1, 10 50 का मान होता है 1, तो ये रहेंगे हमारे पास 1000 बटे x1, तो ये x1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1000 मीटर। एक तो मिल गई इनकी दूरी, दूसरा ले लेंगे समकोण त्रिभुज CBD में, CBD ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, 30 डिग्री बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार क्या आ जाएगा x2, फिर जाएगा 10 30 का मान होता है 1/√3, फिर आ जाएगा हमारे पास 1000 बटे x2, तो ये बचेगा हमारे पास x2 बराबर 1000√3। तो हमें क्या x2 के मान मिल गया 1000√3। हमें अतः हम जानते हैं क्या बीच की दूरी, अतः पनडुब्बी व युद्ध पोत के बीच की दूरी क्या हमारे पास है x1 + x2 दी हुई है, यहां पर लिख लेंगे ज्यादा हमारे पास क्या 1000 + 1000√3 का मान 1.732, तो जी हो जाएंगे हमारे पास 1000 + 1732, इनको जोड़ देंगे तो क्या जाएंगे हमारे पास 2732 मीटर दी हुई है आपको। ये हो गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है। अब बताते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 20 नंबर भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। लिखा 20 नंबर मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अब देखिए मीनार की ऊंचाई तुम्हें 6 मीटर है वो तुम्हें प्रूफ करके लाना है, जो तुम्हें उसने दे दिया। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है,
जब एच मीटर है तो हमने क्या जी एच मीटर मान ली हमने। अब देखिए एक तो हमारा कोण एंगल ये दिया, एक पूरा कोण है तो पूरा कोण 90 में थीटा बना लिया, एक दिया 4 मीटर यहां से यहां तक, एक दी 9 मीटर यहां से यहां तक, तो ये कितनी आ जाएगी 5 मीटर आ जाएगी यहां से यहां तक। तो ये आ गया ए बी सी और डी, ये हमारा डायग्राम बन गया जैसा थ्योरी दी थी। अब लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम मान लेंगे पहले क्या हमने माना बी सी डी, बी सी डी में जब बी सी डी ले लेंगे तो ज्यादा आएगा 10 90 माइनस का थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, 10 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारे पास क्या कॉट थीटा, ज्यादा आएंगे एच बटे 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब ए सी डी ले लेंगे तो ज्यादा आएगा 10 थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या लंब हमारे पास एच, आधार कितना दिया 9, 10 थीटा बराबर आधार बटे 9। अब देखिए जी हमारे पास ऐसे नहीं है, लेकिन अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तो हमें 10 से आउट कट जाएगा, हमें एच मिल जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, जब गुणा कर देंगे ज्यादा आएंगे कॉट थीटा इंटू में 10 थीटा बराबर आ जाएगा एच अपान 4 गुणा एच अपान 9। कॉट से 10 कट जाता है बचेगा 1, तो एच स्क्वायर बराबर जाएंगे 9 चौको 9 गुणा 4 से जोड़ेंगे 36, तो एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36, तो एच बराबर जाएगा अंडर रूट 36, अंडर रूट से हमारा क्या जाएगा 6 बार आ जाएगा, तो ये आ गया 6 मीटर हमारा आंसर। तो लिख लेंगे आता मीनार की ऊंचाई एच बराबर 6 मीटर सिद्ध हुई। ठीक, ये था आपका 20 नंबर। अब बताते हैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत आसान है, 21 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लिखा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मीनार हमने माना क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, और भवन के मीनार भवन जो हमारा दिया भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया, हमने माना भवन कितना दिया हमारे पास मीनार जो बनी हुई है, मीनार हमारे पास ये यहां से यहां तक बनी हुई है कितनी है 50 मीटर ऊंची है। ठीक, यहां से यहां तक एक जो हमारा जो भवन है उसका जो पाद बिंदु है जी यहां से यहां तक कितना दिया एंगल उसका हमारे पास 60 डिग्री दिया जी कंप्लीट। अब इसी पाद बिंदु से हमारे पास एक कौन बनी है, हमारी पास मीनार बनी है, और जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है एच मीटर, सॉरी मीनार तो ये थी भवन जो है जी हमने बना लिया मीनार, यहां लिख देंगे जे बन गया भवन, इसका जो एंगल है वो कितना दे रहा है तुम्हारे पास 30 डिग्री। अब हमें जे निकालना है और जे नीचे वाली तो हमें कॉमन है सब पे निकालना है, जे बताना है, तो हम मान लेंगे ए बी सी डी पॉइंट मान लिए, बन गया डायग्राम। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माना माना भवन की ऊंचाई कितनी है एच मीटर है। ठीक, भवन की ऊंचाई एच मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितनी है 50 मीटर है। अब लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी में, एबीसी ले लेंगे तो याद आएगा 10, एबीसी में 10 30 डिग्री बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 30 बराबर आ जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा आधार एच बटे कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स, 10 30 का मान होता है हमारे पास क्या 1/√3, तो याद आएंगे एच बटे एक्स, यहाँ पे क्या एच ये तो एच बराबर क्या जाएगा √3 इंटू में एक्स इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख लेंगे समकोण
फिर से ले लेंगे त्रिभुज, क्या लेंगे डी सी बी या बी सी डी ले सकते हैं, बी सी डी में तो यह जाएगा हमारे पास 10, 60 डिग्री बराबर आ जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार कितना जाएगा एक्स। तो 10 60 का मान होता है हमारे पास √3, बचेंगे 50 बटे एक्स, तो यह जाएंगे एक्स बराबर आ जाएंगे 50 बटे √3, हमारे पास आ जाएगा 50 बटे √3। तो बहुत आसान है, जो क्वेश्चन बन गई हमारे पास सेकेंड। अब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयरिंग कर लेंगे, तो लिख लेंगे यहां पर समीकरण एक व दो को हल करने पर लिख देंगे, यह जाएंगे h बराबर आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू में आ जाएंगे हमारे पास 50 बटे √3, ठीक। तो ये हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है, जो हमारे पास √3 आएगा तो h का मान आ जाएगा, तो वो आएगा हमारे पास, सॉरी देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इसका क्रॉस हो जाएगा तो ज्यादा आएंगे x बटे √3 आएगा, h बराबर आ जाएगा 50 बटे हमारे पास आ जाएंगे 3, तो ज्यादा आएंगे 16 सही 2/3, h का मान आ गया जे मीटर में, ठीक। तो अता लिख लेंगे, अता भवन की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2/3 मीटर है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये इस क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इसके इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक्सरसाइज को, फिर से आप लोग नोट्स में आप लोग बनाएंगे, नोट्स को लिखते जाइएगा, और साथ ही साथ कल आपको 9.B एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपको बताई जाएगी, तो आप लोग उसको पढ़िएगा, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल में आपको बताई जाएगी, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे थे, देखते वक्त आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते लाइक करके जाइएगा। अगर जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो क्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं, नए जोश नई एनर्जी नया साथ, बाय बाय।